कर्नाटक महाराष्ट्र के मराठी भाषी गांव को लेकर महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बेलगावी के बेगेवाड़ी में महाराष्ट्र के ट्रक और दूसरे वाहनों पर पथराव के बाद दोनों राज्यों के बीच तनाव बढ़ गया है। कर्नाटक रक्षण वेदी के संगठन के कार्यकर्ताओं ने पथराव किया और नारेबाजी की। इस घटना की प्रतिक्रिया महाराष्ट्र में दिखाई दी। यहां पुणे में शिव सैनिकों ने कर्नाटक की बसों को पथराव किया और कालिक पोती। ये घटना तब हुई जब कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने महाराष्ट्र के दो मंत्री चंद्रकांत पाटिल और शंभुराज देसाई को सीमावर्ती मराठी भाषी गांव का दौरा न करने की नसीहत दी, जिस पर महाराष्ट्र के मंत्री और भड़क गए। सीमा विवाद को लेकर महाराष्ट्र सरकार के मंत्रियों का रुख बटा हुआ नजर आ रहा है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि दोनों मंत्रियों की यात्रा से वहां तनाव हो सकता था, क्योंकि सीमा विवाद पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। ऐसे में दोनों राज्यों में आपसी लड़ाई बेमानी है। असा है कि पहिल्यांदा तर या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयामध्ये केस चाललेली आहे। या संदर्भात कर्नाटकही निर्णय घेऊ शकत नाही आणि महाराष्ट्रही निर्णय घेऊ शकत नाही। सगळा जो काही निर्णय आहे तो सर्वोच्च न्यायालयच या संदर्भात घेणार आहे। मला असं वाटतं की विनाकारण या संदर्भात नव्याने कुठला तरी वाद तयार करणं हे देखील योग्य होणार नाही। महाराष्ट्राने अतिशय ताकदीने आपली केस मांडलेली आहे आणि आपण विश्वास ठेवला पाहिजे की आपल्याला सर्वोच्च न्यायालयातून न्याय मिळेल। लेकिन महाराष्ट्र में विपक्षी दलों को राज्य की बीजेपी शिंदे गठबंधन की सरकार को घेरने का मौका मिल गया। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि राज्य में विभाजन के बीज बो दिए गए हैं। महाविकास आघाडीचं चांगले चाललेलं सरकार गद्दारी आणि कटकारस्थान करून पाडल्यानंतर जे सरकार आता कायदेशीर आहे का बेकायदेशीर आहे हा अजून निकाल लागायचा आहे, पण ते अस्तित्वात आल्यानंतर महाराष्ट्राची सातत्याने होणारी अवहेलना, महाराष्ट्राचा सातत्याने होणारा अपमान आणि एक विशेष म्हणजे असं पहिल्यांदाच दिसतंय की महाराष्ट्रामध्ये एक फुटीरतीची बीज ही टाकली जात आहेत। वहीं दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार होने के कारण विवाद सुलझता नजर नहीं आ रहा है। कर्नाटक में अगले साल चुनाव होने हैं, लिहाजा कर्नाटक बीजेपी भी इस मामले में पीछे हटने का जोखिम उठाने को तैयार नहीं है। कर्नाटक के संगठनों ने भी महाराष्ट्र के मंत्रियों को दौरा न करने की चेतावनी दी है। वहीं महाराष्ट्र एकीकरण समिति ने मंत्रियों से सीमावर्ती गांव का दौरा करने का आग्रह किया है, तो बेलगावी में वेदिके के सैकड़ों कार्यकर्ता इकट्ठा हो रहे हैं। एनसीपी नेता शरद पवार ने कर्नाटक की बीजेपी सरकार को 24 घंटे में विवाद सुलझाने की चेतावनी दी है। शरद पवार ने कहा कि ऐसा ना होने पर हम बेलगावी का दौरा करेंगे। राज्य सरकार ने अधिकार जारी किया, कई बदल के लिए ठीक है, पर यह सगळ्या गोष्टी केवल राज्य सरकार काय करते हे बघून चालणार। आता जे झालं आज ते जर उद्याच्या 24 तासाला 48 तासात पूर्ण संशोधन नाही तर माझ्यासह सगळ्यांना बेळगावच्या लोकांना धीर द्यायला जावं लागेल। आजादी के बाद से ही महाराष्ट्र बेलगावी, खानापुर, निपणी, चंदगाड और कारावार समेत 814 गांवों पर अपना दावा करता आया है। महाराष्ट्र के कई नेताओं का कहना है कि यहां के लोग मराठी भाषी हैं। जब भाषा के आधार पर 1960 में पुनर्गठन हुआ था तो इन गांव को कर्नाटक के बजाय महाराष्ट्र में शामिल किया जाना चाहिए था। दूसरी तरफ कर्नाटक का कहना है कि राज्य की सीमाएं पुनर्गठन कानून के तहत तय हुई थी, फिर विवाद की गुंजाइश ही नहीं है। हालांकि ये विवाद सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन अगले साल होने वाले कर्नाटक चुनाव से पहले ये मुद्दा दोबारा गर्मा दिया गया है, जिसकी वजह से दोनों राज्यों की बीजेपी सरकारों के लिए ये गले की फांस बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज़।